हेलो फ्रेंड्स, आज मैं काजल बनाने जा रही हूँ। घर में काजल किस तरह से तैयार करें वो मैं बताने जा रही हूँ। मेरे सब्सक्राइबर और मेरे फ्रेंड्स चाहते हैं कि मैं घर में काजल बनाने की विधि बताऊं, तो आज मैं काजल बनाने जा रही हूँ। पारंपरिक तौर से जो बच्चा पैदा होता है उसके आंखों में लगाया जाता है, घर की महिलाएं भी लगाती हैं और भी कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। आजकल के टाइम में डॉक्टर्स तो काजल लगाने से मना करते हैं, लेकिन जो अपने परंपराओं के हिसाब से चलते हैं और जो काजल लगाते हैं वो चाहते हैं कि घर में शुद्धता के साथ काजल किस तरह से तैयार करे वो मैं बताऊं। तो आज मैं आप सभी के लिए घर में काजल बनाने की विधि बताने जा रही हूँ। पूरी वीडियो पर फोकस बनाए रखिए, एक भी स्टेप्स छूटना नहीं चाहिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर जरा सा भी मिस्टेक हुआ तो काजल नहीं बनेगा। काजल बनाना बहुत ही कठिन काम है, लेकिन अगर आप सभी स्टेप्स को, सभी नियमों को फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए कि आप भी अपने घर पर काजल तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमें काजल बनाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है। काजल हमेशा रात को ही बनाया जाता है, दिन में भी बनाया जा सकता है, लेकिन रात में जो काजल तैयार होता है उसको अच्छा मानते हैं। तो इसीलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम रात को ही काजल तैयार करें। तो काजल बनाने के लिए हमें एक बड़े साइज का दीपक लेंगे जिसमें हम ढेर सारा तेल डाल सकें। उसके बाद हमें एक बाती चाहिए, एक लंबा सा बाती चाहिए, और ये बाती कपड़ा का बना होना चाहिए, यानी कि सूती कपड़ा हो, कॉटन का कपड़ा हो, और उसका आपको इस तरह से लंबा एक बाती बनाना है, मोटा टाइप का बाती बनाना है, क्योंकि बाती जितना मोटा होगा तो उसकी लौ भी उतनी ही लंबी होगी और ज़्यादा धुआं भी छोड़ेगा। इसीलिए हम लंबा बाती भी रखेंगे ताकि बाती तब तक जलता रहे जब तक हमारा तेल इसमें रहेगा। एक दीपक ले लिया, एक बाती, इसको सरसों तेल में बनाएंगे, सरसों तेल में अच्छा माना जाता है। और उसके बाद ढकने के लिए एक इस तरह से मिट्टी का ढक्कन चाहिए जिससे हम इसे ढकेंगे। तेल डालने के बाद बाती जलाएं, यानी कि दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद एक प्लेट रखें और इसके ऊपर ढक्कन डालेंगे। हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि इससे जो धुआं स्मोक निकल रहा है वो सारा इस ढक्कन में जाए। एक बार हटाकर देखते हैं, आप देख सकते हैं कि इसमें कालिख बिल्कुल बीच में ही तैयार हो रहा था, ये बिल्कुल सही पोजीशन था इसका। तो फिर से हम इसी तरह से ढक देंगे। और ढकने के बाद आपको ध्यान रखना है कि आप इस पर फोकस करें कि कहीं से इसका स्मोक निकल तो नहीं रहा है। अगर स्मोक निकल रहा है तो आपको इसका पोजीशन ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर स्मोक निकल जाएगा तो काजल तैयार नहीं होगा। तो वैसे तो ये सही है, पर मुझे लग रहा है कि हल्का सा कहीं कहीं से निकल रहा है, तो मैं इसको ज़रा सा सीधा कर देती हूँ। काजल की मात्रा अगर आपको बढ़ाना हो तो आप ऊपर से इसमें तेल डाल भी सकते हैं। काजल को कृष्ण पक्ष में बनाया जाना अच्छा माना जाता है, और कृष्ण पक्ष की अमावस्या रात को जो काजल तैयार होता है उसे बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप अमावस्या तक का इंतज़ार करें और अमावस्या की रात को बनाएं। अगर आप इतना इंतज़ार नहीं कर सकते हैं तो किसी भी रात को आप बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि पूरी रात जलकर इसमें कितना कालिख इकट्ठा हुआ है। अब हम इसका काजल तैयार करेंगे, इसको मिलाएंगे। अब सारा कालिख इसमें निकाल लेते हैं। इतना सारा इकट्ठा हुआ है, अब हम इसको घी में मिलाएंगे। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब मिट्टी का दीपक होना चाहिए और थोड़ा बड़े साइज का हो। अगर दीपक नहीं है तो आप स्टील की छोटी सी कटोरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं दीपक के स्थान पर। अगर आप मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल करते हैं और नया नया है, मार्केट से खरीद कर लाए हैं, तो सबसे पहले आपको इसको पानी में धोना है और पानी में 1 घंटा के लिए छोड़ दें। उसके बाद धोकर साफ करके बर्तन को सुखाएं, दीपक हो या ढक्कन हो उसको सुखाएं, और उसके बाद आप इसमें काजल बनाने के लिए इस्तेमाल करें।
काजल को मिलाने के लिए गाय का घी लेंगे, गाय का घी इस्तेमाल करेंगे। तो हमें सबसे पहले घी को पिघला लेना है और उसके बाद एक से दो बूंद करीब इसमें घी डाल दें और एक चम्मच से इसको मिलाएं। फिर से दो बूंद डालें। एक बार में ज्यादा घी नहीं डालना है, अगर ये एक बार अधिक गीला हो गया तो फिर आप इसको ठीक नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमें सावधानी बरतना है। फिर से दो बूंद घी डालेंगे। इसको मिलाने के बाद हम हाथ से मिलाएंगे, क्योंकि हाथ से ही पता चलेगा कि ये कितना रूखा है और कितना गीला है। मिलाते समय इसे केवल एक उंगली का इस्तेमाल करें, हाथों में ज्यादा फैलाना नहीं है। काजल बिल्कुल सही गूंथा है, न ज्यादा रूखा है और ना ही ज्यादा गीला है। हालांकि रूखा ही रखना है, समर के मौसम में अगर आप ज्यादा घी डालेंगे तो वो जो बहुत जल्दी ही पिघल जाता है, आंख में जब आप लगाएंगे उस वक्त भी फैलेगा, इसलिए हमें रूखा गूंथना है। इस काजल को गूंथने में 5 से 6 बूंद घी लगा है। अब हम पानी डालकर इसे मिलाएंगे ताकि इसके अंदर जो भी डस्ट होगा तो इसमें से निकल जाएगा, उसके बाद शुद्ध काजल रह जाएगा। इस पानी को फेंक देंगे, फिर से इसी तरह मिलाएंगे। आपके पास अगर कोई काजल रखने वाला चांदी का बर्तन हो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो किसी भी छोटे से डब्बा, ढक्कन वाला जो डब्बा होता है उसमें इसे रख सकते हैं। काजल रखने के लिए एक छोटा सा डब्बी लें और इसके अंदर रख लें, इसके अंदर इसमें इसको जमा देंगे। काजल बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरह से काजल आप अपने घर पे बनाइए। काजल बनाने के लिए कुछ लोग बाती को रोल करते समय उसमें थोड़ा सा कपूर भी डाल देते हैं और कुछ लोग अजवाइन डालते हैं, तो सभी अपने परंपराओं के हिसाब से काजल बनाते हैं, लेकिन हमारी फैमिली में कोई ऐसी चीज़ें इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हम लोग सिंपल काजल बनाते हैं, इसीलिए मैंने सिंपल काजल तैयार किया है, क्योंकि हमारी आँखें बहुत ही अनमोल हैं और आँखों के साथ कुछ नया ट्राई करने का मन नहीं करता है, तो हमेशा वैसे ही काजल बनाएं जैसा आप बनाते आए हैं, आपकी फैमिली में बनाते आए हैं, और इसी तरह से काजल आप अपने घर पर तैयार करें। इतना सा काजल अगर हर रोज बच्चे को लगाया जाए तो साल भर चलेगा, इसीलिए इतना सा काजल काफ़ी होता है। तो इसी तरह से काजल आप अपने घर पर बनाइए। और आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। काजल तैयार करने के बाद एक बर्तन में फिल्टर वाला पानी ले, अगर फिल्टर का पानी ना हो तो आप नल का भी साफ पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उस पानी में इस डब्बे को हम डुबो कर रख देंगे। इसको हमें कम से कम 10 से 12 घंटा तक इसमें डुबोए रखना है, इसमें छोड़े रखना है, और बीच बीच में हम पानी भी बदल देंगे। उसके बाद यह काजल लगाने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप इसे इस्तेमाल करें, उसके बाद आप इसे अपने आँखों पर लगाएं, अपने बच्चों के आँखों पर लगाएं, अब जिसको भी चाहे आप लगा सकते हैं, और लगाने के बाद इसको ढक्कन से कवर करके इसे रख ले, स्टोर कर ले, चाहे आप बाहर ही रखें, चाहे फ्रिज में रखें, जहाँ भी आपका मन हो आप इसे रख सकते हैं। यह कभी ख़राब नहीं होता है, इसमें कोई स्मेल नहीं आएगी। तो इसी तरह से काजल आप अपने घर पे बनाइए। मेरी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। पसंद की रेसिपी के लिए, वीडियो के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसी तरह से मेरे सारे वीडियोस देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।